चलिए आज की डाउट क्लास शुरू करते हैं। पहला सवाल है, यदि 4 की पावर a बराबर 5, 5 की पावर b बराबर 6, 6 की पावर c बराबर 7 और 7 की पावर d बराबर 8 हो तो हमें a b c d का मान बताना है। तो भाई दो तरीके मैं आपको बता रहा हूं। पहला तरीका क्या है कि आप इसकी दो साइड बना लीजिए, ये पहली साइड हो जाएगी और ये दूसरी साइड हो जाएगी। इन दोनों को आप आपस में गुना करके बराबर रख दीजिए। कैसे रखेंगे? तो भाई पहले वाली साइड बन जाएगी 4 की पावर ए गुना 5 की पावर बी गुना 6 की पावर सी और गुना 7 की पावर डी। ये आपकी पहली साइड बन गई। दूसरी साइड क्या बन जाएगी? तो भाई यहाँ पर बन जाएगा 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 और 7 के बाद 8। इतना काम आप कर लेंगे। अब आप थोड़ी देर के लिए 4 की पावर ए को छोड़ दीजिए, हम शुरुआत करते हैं 5 की पावर बी से। तो भाई इधर भी 5 है और इधर भी बेस में 5 है, यानी आधार इधर भी 5 है, तो इसकी घात कितनी होगी? तो भाई घात 1 होगी, तो बेस से बेस एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। इसी तरह से आप 6 पर कैलकुलेट करेंगे तो इसकी पावर भी 1 होगी, बेस से बेस एलिमिनेट हो जाएगा, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। इसी तरह से 7 की पावर डी को हम 7 से कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पर भी 1 होगा, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो भाई ये खत्म हो गया तीनों, और इधर से ये तीनों खत्म हो गए। अब आपके पास क्या बचा है? आपके पास बचा है 4 की पावर ए बराबर, इधर कितना बचा आपके पास? 8। तो भाई इन दोनों का बेस आप बराबर कीजिए। कैसे करेंगे? भाई 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2, ए यहां पहले से लिखा है तो इसको एज इट इज लिखेंगे। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? तो भाई इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3। तो दोनों के बेस बराबर हो गए, तो यहां से हमारे पास क्या मिलेगा? 2 की पावर ए बराबर 3 मिलेगा। ए की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो वो कितनी आ जाएगी? वो 3/2 आ जाएगी। तो भाई बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू कितनी आई? 3/2। अगर मैं इसमें 1 से गुना कर दूंगा, यानी बी सी डी, भाई ए तो मेरे पास ये बन गया, उसके बाद बी गुना सी गुना डी कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। भाई हमें ए बी सी डी निकालना है, ठीक है, ए बी सी डी निकालना है। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2 आ गई। बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू 1 है, तो फाइनली हमारे पास क्या बच जाएगा? 3/2 बच जाएगा। तो ये पहला तरीका है, इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। चलिए दूसरा तरीका समझते हैं। तो दूसरे तरीके में आपको क्या करना है, ये जो आपको वैल्यू दी गई है 7 की पावर डी बराबर 8, ये जो आपको वैल्यू दी गई है सबसे पहले आप इसे लिखेंगे, उसके बाद आपको ये नंबर रिप्लेस करते जाना है। कैसे रिप्लेस करेंगे? भाई 7 की पावर डी, 7 का मान मुझे क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है? 6 की पावर सी दिया गया है, तो मैं 7 की जगह क्या रख सकता हूं? मैं 7 की जगह 6 की पावर सी रख सकता हूं, ठीक है। डी यहां पर पहले से है तो अब ये लाइन क्या बन जाएगी? 6 की पावर सी डी और बराबर में कितना हो जाएगा? 8। अब मुझे किसको रिप्लेस करना है? भाई जैसे पहले 7 को रिप्लेस किया तो मैं 6 को रिप्लेस करूंगा। 6 की जगह मैं क्या रख सकता हूं? तो 6 की जगह मैं रख सकता हूं 5 की पावर बी। पहले से कितना है? सी और डी पहले से हैं, यहाँ पर कितना हो गया? 8 हो गया। अब किसे रिप्लेस करेंगे? अब 5 को रिप्लेस करेंगे तो क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे 4 की पावर ए, बी सी डी यहाँ पहले से हैं, तो क्या बन जाएगा? 4 की पावर ए बी सी डी बराबर इधर कितना हो जाएगा? 8। अब भी आपको वही काम करना है, दोनों के बेस आप बराबर करेंगे। तो भाई 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, और यहाँ पर क्या चल रहा है? ए बी सी और डी चल रहे हैं। इधर 8 की बात करेंगे तो कितना लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो भाई बेस से बेस एलिमिनेट हो जाएगा, क्या बचेगा? 2 गुना ए बी सी डी बराबर कितना आएगा? 3। तो ए बी सी डी का मान कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। तो दोनों ही तरीके बढ़िया हैं, जो आपको बेहतर लगा उससे आप इस सवाल को कर सकते हैं। चलिए दूसरा सवाल करते हैं। चलिए दूसरा सवाल पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, एक दुकानदार 1 रुपए की 1 चॉकलेट बेचता है तथा प्रति एक 3 खाली पैकेट पर 1 चॉकलेट मुफ्त देता है। यदि अर्णव के पास 15 रुपए हैं तो वह कितनी चॉकलेट इन 15 रुपए से खा लेगा? ये हमें सवाल के अंदर बताना है। तो भाई सवाल के अंदर कंडीशन क्या है कि 1 रुपए की हमें कितनी चॉकलेट मिल रही है? तो भाई 1 रुपए की हमें 1 चॉकलेट मिल रही है, ठीक है। इसके अलावा दुकानदार क्या कर रहा है कि अगर आपके पास चॉकलेट के 3 खाली पैकेट हैं तो दुकानदार आपको 1 चॉकलेट मुफ्त दे देता है, ठीक है। एक लड़का है अर्णव, उसके पास कितने रुपए हैं?
तो भाई उसके पास 15 रुपए हैं, तो आपसे पूछा गया है कि 15 रुपए में वह कितनी चॉकलेट खा लेगा। तो भाई सबसे पहले क्या करिए, 15 रुपए की हमने चॉकलेट खरीदी, जितने रुपए हमारे पास थे इन सब की हमने चॉकलेट खरीद ली, तो चॉकलेट हमने कितनी खरीदी भाई, एक की एक है तो 15 की कितनी हो जाएंगी, तो भाई 15 की 15 हो जाएंगी। अब ये 15 चॉकलेट खरीदने के बाद ये सारी की सारी चॉकलेट अर्नब खा लेता है, यानी उसने क्या कर लिया, उसने इन सभी चॉकलेट को खा लिया। तो ये 15 चॉकलेट को उसने खा लिया है, इनको अलग रख लेते हैं। खाने के बाद उसके पास कितने खाली पैकेट हो गए, तो भाई बिल्कुल क्लियर सी बात है कि उसके पास 15 ही पैकेट खाली हो जाएंगे, ठीक है। अब वो क्या करेगा, वो दुकानदार के पास जाएगा, दुकानदार ने क्या बोल रखा है कि 3 खाली पैकेट लेके आओ और 1 चॉकलेट ले जाओ, तो उसके पास 15 खाली पैकेट हैं। अगर मैं इधर 5 से गुना कर देता हूं तो 5 या 15 खाली पैकेट हो गए, तो यही गुना मैंने इधर कर दी तो इसके पास चॉकलेट कितनी हो गई, तो अर्णव को 5 चॉकलेट और मिल गई। 5 चॉकलेट हम यहाँ ऐड कर देते हैं। अब ये जो 5 चॉकलेट उसको और मिली, अर्णव ने इन चॉकलेट को भी खा लिया, ठीक है, इन चॉकलेट को भी अर्णव ने खा लिया। तो खाने के बाद क्या होगा भाई, फिर से खाली पैकेट निकलेंगे, तो 5 को मैं कुछ इस तरह से लिख लेता हूं, 3 पैकेट खाली ये वाले हैं, ठीक है, और 2 पैकेट खाली ये वाले हैं, ठीक है। अब वो क्या करेगा, अब ये जो 3 खाली पैकेट उसके पास थे, वापस वो कहाँ जाएगा, दुकानदार के पास जाएगा और क्या करेगा, इन 3 खाली पैकेट से 1 चॉकलेट फिर से ले लेगा। तो अब कितनी चॉकलेट हो गई, 15 प्लस 5 प्लस 1, 2 खाली पैकेट उसके पास पहले से थे, 1 चॉकलेट जो ये खरीद के लाया इसको उसने फिर खा लिया, जो चॉकलेट थी इसको उसने फिर खा लिया, एक रैपर खाली फिर उसके पास आ गया। बात समझ में आ रही है भाई, उसने इसको फिर खा लिया तो एक खाली रैपर उसके पास फिर हो गया, 2 उसके पास पहले से थे, 2 प्लस 1 वापस उसके पास 3 खाली पैकेट हो गए। फिर वो दुकानदार के पास गया और कितनी चॉकलेट और ले आया, तो 1 चॉकलेट और ले आया। अब जाके उसके पास आगे खाली पैकेट कितना बचेगा भाई, इसी चॉकलेट को तो खा पाएगा, ये जो लास्ट वाली ली है, तो 3 पैकेट तो इकट्ठे हो नहीं पाएंगे। तो पूछा गया है कि अर्णव ने कुल कितनी चॉकलेट खाई, तो 15 और 5 20 और 1 21 और 1 22, तो सही आंसर क्या होगा, तो भाई सही आंसर होगा 22। आई होप कि आज की क्लास के दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं, बढ़िया सवाल हैं, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना रहती है, तो इन दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से करें। कहीं पर कोई डाउट अगर हुआ है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। इसके अलावा मैंने आपको पहले सजेस्ट किया हुआ है कि जो भी आप अपनी बुक से क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आपको कुछ डाउट आ रहे हैं तो वो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं, 9997172170, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। कोई भी आपका डाउट है मैथ और रीजनिंग को लेकर, तो वो क्वेश्चन आप मुझे भेजिए, उन्हीं डाउट के बेसिस पर मैं अगली क्लास आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही है, अगली क्लास में कुछ नए डाउट्स के साथ वापस आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू।